नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे दोस्तों? उम्मीद है सारे बढ़िया होंगे और अच्छे से होंगे। तो अभी तक सिर्फ आपने मेरे बारे में जाना है, मेरी केबिन क्रू की लाइफ जर्नी और काफ़ी कुछ डाउट्स वगैरह तो बहुत कुछ हो गए, बट आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अलग अलग स्टेट से काफ़ी सारे लोगों को जो कि केबिन क्रू है, उनकी जर्नी क्या रही उसके बारे में आज उन्हीं से पूछने वाले हैं। सो लेट्स गो। मीट मिस्टर जेकब सर, हाउ यू? गुड गुड, थैंक्स। सो थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए पहले। हाय ऑल, टॉकिंग अबाउट मी, आई एम जेकब जिबिन जॉन, बॉर्न इन केरला, ब्रॉट अप इन चेन्नई, डिड ऑल माय स्कूलिंग, कॉलेजेस, सब कुछ चेन्नई पे ही था। सब कुछ मतलब चेन्नई से आपने पूरी पढ़ाई करी? हाँ जी। अच्छा, सो जैसे कि अभी तो मतलब काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, सो हाउ यू कोप अप विद दिस इंग्लिश? आपको इंग्लिश पहले से आती थी या क्या? इंग्लिश या आई डिडंट हैव मच ऑफ स्ट्रगल बिकॉज इंग्लिश मीडियम पे ही था, दो आई वाज इन मच इंग्लिश तो ज़्यादा बात तो नहीं करते थे, बट फिर भी इंग्लिश मीडियम पे था सो उतना डिफिकल्ट तो नहीं लगा, मतलब हाँ सुनकर इंग्लिश आपकी अच्छी थी। सो लेकिन साउथ में ऐसा होता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हिंदी को लेके होता है, सही, और इंटरव्यूज में दोनों चीज़ कंपलसरी होती है। सो आपको आपने उसको कैसे मतलब फेस करा? हिंदी मेरे लिए तो एक्चुअली स्पीकिंग इट वॉज अ टफ टास्क। टफ मतलब बिना स्विमिंग, मतलब स्विमिंग नहीं पता है फिर भी स्विमिंग पूल अभी कूदने, सो वो वाला सिचुएशन था। इंटरव्यू पे हाँ हमें इट वॉज डेफिनेटली एकदम टास्क ही था मेरे लिए बिकॉज न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोला। सी आई नो हिंदी बेसिक एकदम, बट उतना इंटरेस्ट तो नहीं था मेरे को, क्या बोलो, एकदम पढ़ाई पे फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। या इफ यू आस्क मी, लैंग्वेज सीखने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट था, बट हिंदी आई डोंट नो व्हाई, हिंदी मैथ्स एंड ऑल नॉट टू फॉन्ड ऑफ इट, बट काम के लिए तो करना पड़ा। सिर्फ यही था कि हो जाएगा बोल के, मतलब आई वॉज फॉन्ड ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेस, बट ड्यूरिंग इंटरव्यू डेज ना, बिल्कुल इट वॉज जीरो। जैसे नॉर्थ में होता है कि लोगों को प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश सीखना है तो उनके स्लैंग में नॉर्थ वाला हुआ जाता है हिंदी का टच, और सीखते सीखते भी बहुत टाइम लग जाता है। तो सबको प्रॉब्लम आई है हिंदी सीखने में जैसे हमें आती है इंग्लिश सीखने में। सो आपकी जो जर्नी रही, मतलब आपको केबिन क्रू के बारे में कैसे पता चला, मतलब कि एयरलाइन फील्ड में आपको जाना था या कैसे पता चला? नहीं, ऐसा कुछ प्लानिंग तो नहीं था कि एयरलाइंस पे घुसना है। आई वॉज फॉन्ड ऑफ नॉर्मल हेल्पिंग अदर्स, वो वाला मेंटालिटी था, बीट वॉट एवर फील्ड इट इज़ उस पर फॉन्ड था। मतलब मेरे को आर्मी पे घुसना था, बट मॉम एंड ऑल वॉज सेंटिमेंटली अटैकिंग इट, बट सो उस पर घुस नहीं पाया। सेकेंड था कि पायलट पढ़ने के लिए थोड़ा सा मन था, बट फिनेंशियल बैकग्राउंड वॉज नॉट दैट स्टेबल। सो फिर सोचा ऐसी ट्रैवलिंग टूरिज्म, ट्रैवलिंग मतलब एकदम फॉन्ड था, बीट साइकिल पे भी ट्रैवल करने के लिए छोड़ोगे निकल जाऊँगा बाइक, सो आई वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। फर्स्ट फील्ड था ट्रैवलिंग टूरिज्म पे, उधर था एक वन एंड हाफ ईयर। सो मतलब आपको पहले भी एक्सपीरियंस रहा है किसी में जॉब कराया आपने कहाँ पे? हाँ, जॉब तो किया था, दिस इज माय थर्ड जॉब। अच्छा। आई फॉन्ड ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म, वही लाइन पे भगवान के हिसाब से घुसा अंदर, एंड दैट इज व्हेन आई गॉट इनटू फ्लाइट फॉर माय फर्स्ट टाइम। अच्छा। सो उस समय थोड़ा सा मन तो लगा, बट एकदम प्रॉपर प्लानिंग तो नहीं था। थ्रू माई ब्रदर इन लॉ आई गॉट टू नो कि ट्राई करोगे क्या, इस फील्ड पे जाओगे क्या, फिर भी मेरे को नहीं पता था कि मेरे को हो पाएगा कि नहीं पाएगा, सोचे कि ट्राई तो मार लेता हूँ। सो बेसिकली यू वर फ्रॉम द कस्टमर सर्विस फील्ड, मतलब उसी फील्ड से एक तरीके से, और सो उसने हेल्प करा आपको मतलब इंटरव्यू के टाइम पे या कैसे, द एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस? डेफिनेटली आई वुड से यस, बी इट कौन सा भी जॉब है, आपको नेक्स्ट डे के लिए तो वो पक्का यूज हो जाएगा, या नेक्स्ट जॉब के लिए तो फॉर एग्जाम्पल आज से एल के जी यू के जी फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड देन ओनली स्टेप बाई स्टेप यू गो टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, मतलब छोटा साल पे क्या पढ़ाई किया है वो 100% यूज हो जाएगा। सेम वे आई वुड से फर्स्ट वर्क क्या किया उसके तो 100% यू विल गेन सम एक्सपीरियंस और यू विल गेन सम नॉलेज कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके पास कैसे बात करना है, किसका बैठना है क्या। सो मतलब वो जो इंटरव्यू का फेज था उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत नर्वसनेस हुआ, आपको कहीं ऐसा लगा कि मेरा कोई वीक पॉइंट है और यहाँ पे मेरा नहीं हो पाएगा? काफ़ी सारे लोगों को लगता है जैसे वीक पॉइंट, आई वुड से यस 100%, इट वॉज फर्स्ट थिंग लैंग्वेज बैरियर, हिंदी बिल्कुल नहीं आता था। And second thing, during my interview ka us din, everyone were passed out from that crash courses, Franklin, all the aviation. अच्छा, आपने पहले कोई ऐसा कोर्स नहीं करा है, कोई क्रैश कोर्स टाइप का नहीं करा? आपने ग्रेजुएशन करी आपने? I did my BCom,
आफ्टर दैट यहाँ पे मतलब दो तीन काम किया था जिसमें थर्ड जॉब इस पे आया, बट आई डिडंट हैव एनी एविएशन फील्ड का एक्सपीरियंस नॉर एनी क्रैश कोर्सेस, कुछ नहीं किया था. सो वेर इज आई थिंक अराउंड 600 कैंडिडेट्स कुछ था एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ इट वहाँ से आया. सब लोग ब्लेजर व्लेजर पहन कर एकदम मस्त तगड़ा. So had a little this one about it, but nervousness. Yeah. देख के लोगों को लगता है अरे तो ऐसे यार हो गया यार, हो गया मैं ऐसे हो गया मेरा हो गया बाहर में बाहर. वैसे अभी आप इतनी सही हिंदी बोले थे, मतलब लाइक कोई सोचेगा नहीं कि आपको हिंदी बिल्कुल नहीं आती. सो हाउ यू मैनेज इट, मतलब इतना कुछ कैसे सीखा आपने? आई सेड लैंग्वेज लर्न करने में लगे आई एम फॉन्ड ऑफ इट, बी इट तेलुगु कुछ भी लैंग्वेज. अभी अरबी सीखने के लिए मन तो कर रहे हैं बट कोई बात करने के लिए नहीं है. अच्छा वैसे कितनी लैंग्वेजेस आती हैं आपको अभी, कितनी टोटल लैंग्वेजेस बोल लेते हैं? इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, अलग आई कैन मैनेज, मतलब पांच लैंग्वेज आती हैं. तो इसका बेनिफिट तो जरूर मिलता होगा, मतलब ऐसे केबिन क्रू लैंग्वेजेस से एविएशन फील्ड पे, दैट इज स्पेशली इन केबिन क्रू और एनी हॉस्पिटैलिटी फील्ड, आई वुड से लैंग्वेज द मोर यू नो इट्स गुड फॉर यू. बिकॉज साउथ में इट्स लाइक जनरली लोगों को लोकल लैंग्वेज आती है या तो मलयालम तेलुगु वैसे, तो उनसे बात करने में इट्स लाइक कॉन्फिडेंट, मतलब कंफर्टेबल हो जाते हो एकदम. चलेगा हो जाएगा तो ये एक बेनिफिट है. ऑल्सो यू कैन राइट इन योर सीवी, अगर आपको जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आती है यू कैन ऑल्सो राइट दैट, करेक्ट, इट्स अ प्लस पॉइंट. यस इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू. नहीं आती है तो सीख लो. डेफिनेटली यस. एंड अभी आपको कितना टाइम हुआ एज अ केबिन क्रू? एज केबिन क्रू 4.5 क्लोज टू 5 अप्रोक्स 5 इयर्स. 5 इयर्स. सो सर हां हमारे केबिन क्रू इंचार्ज भी है. सो सीनियर लाइक 5 साल का एक्सपीरियंस, इट्स अ लॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आप समझ सकते हो कि 5 साल का एक्सपीरियंस है. तो सर अभी आप कैसे, मतलब शादी हो गई है सर की? हाँ सर शादीशुदा है, शादी हो गई है. एंड हाउ यू मैनेज योर लाइफ, मतलब पहले कैसी थी और अभी कैसे है शादी के बाद? देयर इज डिफरेंसेस इफ यू आस्क, बट मेरा पास अगर पर्सनली पूछ रहे हो आई एम हैप्पी. आफ्टर मैरिज सब लोग बोलते रहे स्ट्रेस से ये, बट या इट इज स्ट्रेस, मतलब ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ. शादी के पहले खुद आयरन करना है, खुद वॉश करना है, खाना पकाना है, सब कुछ अकेला अकेला, मतलब खुद करो खुद करो खुद करो. अभी नॉट ओनली आई डोंट से दैट शी हेल्प मी आउट विद वॉशिंग, वॉशिंग के लिए या खाना पकाने के लिए और एक हेल्प आया ऐसे नहीं बोलता, बट फ्रॉम ए टू जेड और एक पार्टनर मिल गया आपको, मतलब फॉर बी इट वॉट एवर इट इज एकदम फ्रेंडली वाला, मतलब वो ये हाँ यू गेट अनदर. अभी फॉर एग्जांपल आप अकेला कर रहे हो सब कुछ और आपके लिए हेल्प करने के लिए और एक, सो यू और मतलब और एक शोल्डर आ गया आपको. सो आई फील शादी का बाद भी, हाँ इफ यू आस्क द डिफिकल्टीज आई वुड से इवन माई वाइफ इज वर्किंग, सो उन लोगों का ऑफ टाइम होगा सैटरडे संडे. So ma'am is also working as a matlab airlines field pe ki she's into a IT auditing firm. IT auditing firm. So un logon ka off time pe hum log off nahi milega. Hum log ka timing alag ajeeb hoga. Matlab cabin crew mein to koi timing hoti nahi hai, Saturday Sunday off, aur unka weekend Saturday Sunday hota hai. Correct. So aap kaise manage karte ho? So when she is free I'll be on flight. When I'm free she'll be working. So yes, but sab pe hai. If you ask me, sub, be it, whichever this one you have, there will be some kind of a little difficulty there with the thoda sa. But manage ho jata hai, somehow, kaise bhi karke. Par abhi aap, matlab, ye apne pure schedule ko kaise maintain kar paate ho, matlab, cabin crew ke baad mein, pehle bhi jab apne job kari, toh wohi 9 to 5 ki job hogi. Uske baad mein ekdam change aaya. How you manage the diet wagera, kaafi kuch saari cheeze. There is lots of differences. If you ask me, as you said, iska pehle job, matlab, ekdam routine shift hoga. Morning, 9 to 5 or... It will be fixed. Might be OT, uska baad thoda sa. But aviation field, if you ask, you might have to wake up at 2 o'clock. You might have to do a 4 o'clock, 5 o'clock flight. Yes. So it is hectic, but I kind of like it, traveling and roaming around. So I feel it okay. So, matlab mahine mein approx kitni flights ho jati hai aapki? How many days approx you will work? Maximum ya fir minimum kitna? Maximum, if you ask about hours, might be around 8 hours, 6 to 8 hours. So, मतलब maximum 16 days work, 17 days work, बस इतना. Correct. बाकियों की तरह नहीं कि भाई daily daily काम करना है. नहीं, वही बोल रहा हूँ ज़्यादा stress तो नहीं है. See, every work has their own stress. Might be इस पे भी stress होगा, pressure होगा, होगा शायद. But अगर किसी को travel करने के लिए पसंद आते हैं या who is fond of all this, someone like me, for me all these are fine. I'm happy about. So आपने मतलब कि आपकी जैसे journey रही सर कि आपने तेलुगु मीडियम से पढ़ाई करी, इंग्लिश आपकी पहले से अच्छी रही, हिंदी में थोड़े वीक रहे,
उसके बाद में आपने अपनी पहले कस्टमर सर्विस फील्ड का भी आपको एक्सपीरियंस मिला, उसकी भी हेल्प से आप आगे बढ़े और एक ही बार में आपने इंटरव्यू भी क्रैक कर दिया, उसके बाद में देन यू आर फाइनली केबल टू 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो कभी आपको पहले ऐसा लगा था कि जैसे होता है कि एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहती है, बहुत ज़्यादा चमक दमक है इस लाइन में, कुछ ऐसा? I would say depends upon each and every person. हाँ, white collar job तो है, but it's the way how you take it. If you see a bank का manager, वो अगर उसने बोला हाँ मैं manager हूँ, वो अलग level, मतलब अलग level है. अगर वो कोई और same manager बोल रहे हैं हाँ रे manager है, so it's yes it is a white collar job. कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा आएगा क्या, बैठ जाओ, एयरपोर्ट जाओ, AP दिखाओ, अंदर घुसो, फ्लाइट रॉयल है. बट एज आई सेड, द मोर डाउन टू अर्थ यू आर, यस इट इज़ अ रॉयल जॉब, बट वुड से आप जैसे देख के लगता है कि आप इतने कूल एंड काम रहते हो, तो ऐसा फ्लाइट पे भी रहते हो और बाहर भी सेम? आई वुड से बीइंग कूल एंड काम इज ऑलवेज द बेटर, सो दैट आपको क्या करना है उस पर फोकस होगा. ज़्यादा गुस्से पे you don't gain anything or you don't you end up doing something aur ek baar gussa hone ke liye end up karoge. So I would say be cool, calm, assess the situation and plan accordingly. Matlab gussa hone pe kuch fayda to nahi. Acha वैसे ये बताइए कि मतलब what makes this job so exciting, मतलब आपको ऐसा क्या लगता है 5 साल आपने इतने स्मूथली निकाल लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्या है मतलब इस जॉब में? Traveling, I would say traveling. And if you ask me personally, it's my personal thing. Whenever I see the cockpit or whenever I get into a flight, I feel कि मैं अभी भी बच्चा ही हूँ, मतलब मेरे को प्यार, मतलब अभी भी एयरक्राफ्ट में ऊपर देखता हूँ. Even though I am flying it, मतलब even though I am in it, whenever aircraft take off or land, I'll see it कि I भी first time देख रहा हूँ. I love it. जैसे काफी सारे बच्चों का रहता है बचपन में हेलीकॉप्टर एरोप्लेन को देखते हैं, अभी भी देखता हूँ, अभी भी काम कर, अभी भी देखता हूँ. एयरक्राफ्ट का डोर ओपन करते वक्त कुछ टेक ऑफ हो रहे हैं, अभी भी देखता हूँ. सेम भी लिखा दिया जाता है, बच्चों वाला भी लिखा जाता है. दैट्स रियली नाइस. तो सारी चीज़ें आपने साउथ से करी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप केरला में, देन चेन्नई से स्टडी करी, देन उसके बाद में आपने अपनी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम से कंप्लीट करने के बाद में हिंदी हमेशा से आपके लिए वीक पॉइंट रहा. आपने ना कोई फ्रैंकलिन का कोर्स करा, ना कुछ बाहर से ही कस्टमर सर्विस फील्ड का एक्सपीरियंस लेके, जस्ट गो थ्रू द इंटरव्यू एंड क्रैक कर दिया. सो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट. और हाँ सर की शादी केबिन क्रू बनने के बाद में हुई है, तो अगर शादीशुदा हो तो केबिन क्रू बनने का मत सोचना, ये नहीं होगा. और सर मतलब लोग 2 साल में अपनी जॉब छोड़ देते हैं, आपको 5 साल काम करते हुए हो गए, व्हाट मेक दिस जॉब सो एक्साइटिंग, मतलब केबिन क्रू की जॉब में क्या एक्साइटेड लगता है आपको इतना, इतने खुश भी हो आप? इफ यू आस्क मी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज ट्रैवल. अब ऐसा जगह अब शायद जा नहीं पाते थे, या यू हैव टू गो ओनली इफ यू स्पेंड मोर देन 10K. सोचते ही रहते थे कि भाई यहाँ जाना है. So unless and until if you don't have money, if you're not from a good family, इतना जगह आप जा नहीं पाओगे. Basic thing, to be frank, हाँ. और आप ऐसे जाओगे कि इधर से जाओ, कार पे बैठो, उधर उतरो, आप सोचा भी नहीं होगा कि उस जगह जा सकते हैं क्या. उधर जा रहे हो एकदम एस्कॉर्ट कैब. जॉब लगने से पहले मतलब आपने क्या सोचा था कि कौन सी सिटी में सबसे पहले मेरे को ले ओवर मिल जाए जहाँ आपको घूमना था? आई वॉन्ट टू गो टू एनमन. एनमन वहाँ तो ले ओवर होता है, चालू होने वाला है. अच्छा चालू होने वाला है, वाह. तो सर जल्दी वहाँ भी घूम लेंगे. तो मतलब उसके अलावा और क्या एक्साइटेड है, मतलब कि बहुत कुछ होता है लोगों को, मतलब आई एम अ फूडी. सो किधर भी जाओ उस जगह का फूड, लोकल फूड खा सकते हैं. हाँ, 5-star होटल पे घूम सकते हैं. फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट अ पर्सन हु हैव ब्रॉट अप फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली कि जाओ बेटा ब्रेकफास्ट जाकर 5-star होटल पे करो. नॉर्मल बेसिक था. काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर मैं थोड़ा मतलब पुअर फैमिली से हूँ और मैं कैसे करूँ, इसके लिए मेरे को भी कोचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं. अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो या बैकग्राउंड मैटर करता ही नहीं है बिल्कुल भी इस फील्ड में, तो आप बस जा सकते हो इंटरव्यू के लिए, प्रिपेयर एट होम, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. और बाद में तो आप लाइफ देख ही सकते हो जो इसको एक्साइटिंग बनाता है, दैट इज़ स्टे इन होटल्स, 5-star होटल्स में स्टे करना काफ़ी लोगों का सपना होता है, इवन मेरा भी था. सो दैट्स व्हाट. उसके अलावा मतलब व्हाट बेस्ट मोमेंट इन योर लाइफ, मतलब जो आपने फ्लाइंग के टाइम पे अच्छे मोमेंट्स? द बेस्ट मोमेंट आई वुड से इज माय फर्स्ट टेक ऑफ, द फर्स्ट टेक ऑफ गेटिंग इनटू एविएशन द फील्ड. अच्छा, उसका पहले जाते थे कि ऐसे पैसेंजर साइड पे बैठते थे, खिड़की देखते थे, बट स्टाफ का
इस पे बैठना है, आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, और हाँ फर्स्ट टेक ऑफ वो पावर देते वक्त आपको वो फील आया कि अरे उस दिन तो खिड़की में बैठ रहे थे, अभी तो इधर. सो दैट वॉज माई बेस्ट एवर तो मोमेंट. इस जॉब में थोड़ा मतलब ज्यादा टेंशन वगैरह रहता है कि कुछ ऐसा? येस, टेंशन तो रहते हैं बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल यू सी देर विल बी लॉट्स ऑफ एमरजेंसी ऑन बोर्ड. अभी रिसेंटली भी देर इज एमरजेंसी विच इज हैपेंड ऑन बोर्ड, बर्थ हुआ है इंडिगो का यस फ्लाइट यस पे. देर इज समथिंग विच शुड बी अप्रिशिएटेड बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच विल हैपन इन एयरक्राफ्ट. ऐसे नहीं कि एकदम यहाँ से उठेगा और सेफली जाकर लैंड करेगा. देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच विल हैपन इन फ्लाइट. किसी का हेल्थ इश्यू होगा या टेक ऑफ और लैंडिंग पे कुछ एमरजेंसी होगा, देर आर चांसेस कुछ भी हो सकते हैं. एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो रहा है, सो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट, देर बी एनीथिंग, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम. सो यू यू हैव टू बी फुली फोकस्ड कि अरे अभी क्या होने वाले हैं, क्या यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. हाँ, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेंशन भी है. तो मतलब ज़्यादा इतनी भी टेंशन नहीं है क्योंकि आपको कैब आने वाला है लेने के लिए, आपको जाना है एंड वहाँ पे टेंशन फ्री, मतलब डोर एकदम ओपन हुआ आपकी टेंशन का है. आप अंदर घुसोगे, आई कांट टेल इट एज टेंशन, बट यू हैव सर्टेन थिंग्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी फॉलोड. उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, बस वहाँ से उतर जाओ, हो गया. जैसे काफ़ी सारी जॉब्स में रहता है, बंदा जाता है शिफ्ट पे तो टेंशन आता है शिफ्ट से, तो बस टेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उधर पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच, नहीं पहुँच सकते, सब ये सब कुछ नहीं. तो बेस्ट मोमेंट्स आपके वही कि पहला टैग वो टेक ऑफ क्या रहा, और कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है मतलब कुछ बेकार आपको बहुत बुरा फील हुआ कभी, या कोई बेकार मोमेंट आपको? इट हैपेंस रिसेंटली भी हुआ था. वी हैव अ लिटिल ऑकवर्ड मोमेंट्स इन द कैबिन विद सम पैसेंजर्स, बट या इट इज़ पार्ट ऑफ आवर जॉब. एंड उसको ऐसी इस कान पे सुनकर इस कान पे फेंक कर या जस्ट थ्रो आउट ऑफ एंड कीप मूविंग, इफ नॉट उधर ही अटक जाओगे. यस. सो बेसिकली मतलब जो लड़ाइयाँ होती है फ्लाइट पे या फिर कोई भी इंसिडेंट होता है, तो लड़के ज़्यादा लड़ती है कि लड़कियाँ ज़्यादा लड़ती है? लड़ाकू कौन होता है बेसिकली दोनों में से? इट्स इज द सेम. देर आर पीपल, गर्ल्स कोई लड़ते हैं, नॉर्मल दोनों. शादीशुदा की बिना शादीशुदा? मैं शादीशुदा हूँ. मैम से घर भी जा रहा है अभी. अच्छा, तो उन्हें हैंडल कैसे कर रहे हो? हाउ यू हैंडल द पैसेंजर्स? मतलब ऑन ग्राउंड पे अगर आप हो तो सिक्योरिटी बुला सकते हो, या कुछ ज़्यादा रूड हो गया तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ऑन प्लेन आप हवा में हो, देन एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी इट्स ऑलवेज बेटर टू बी काम रादर बीइंग व्हाट यू कॉल, ज़्यादा इरिटेटेड या फ्रस्ट्रेटेड होने में ना आपको और एक हेल्प के लिए और एक चाहिए. ऑलरेडी उन लोगों को कोई हेल्प चाहिए, आप जा रहे हो, आप भी फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड हो गए, आपके लिए और एक और कोई चाहिए. सो आई वुड से काम, रिलैक्स, जिस ऐसे जो सिचुएशन की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहे हैं, रिलैक्स, मेक देम अंडरस्टैंड, थिंग्स सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करते हैं, रादर अरे ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, रिलैक्स, हो गया, अभी उसका नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है वो देख लेते हैं, रादर बीइंग इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है मतलब. तो बाकी बस बाद में यही कहूँगा, होप यू हैव लर्न अ लॉट. काफ़ी सारी चीज़ें आपने जानी होगी अपने आपको. एक बार इमेजिन करिए मतलब इनकी जगह रखे कि आप कैसी फैमिली से हो, क्या है, आप किस चीज़ में वीक हो, कंपेयर कर सकते हो, तो सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं एंड यू लर्न अ लॉट. तो भाई बस सीख लो, जान लो. बाकी थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू फन फिट एंड फ्लाई हाई. यस सर, यस सर, एंड सी यू. बाय बाय.